गाइस, आज की स्टूडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एम आई टीवी 4A की। तो बेसिकली अनबॉक्सिंग तो पहले से हो गई और इसे मैंने यहाँ पे फिट भी करा लिया है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ इस एम आई टीवी 4A का, तो देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो है स्पॉन्सर करी है सद्भावना प्रोडक्शन ने। तो आप किसी भी टाइप की वीडियो सिनेमेटोग्राफी या फिर प्री वेडिंग शूट्स करवा सकते हैं और बाकी की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं इस टीवी को जैसे ही आप इसे लेंगे तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके जब बॉक्स डिलीवर हो आपके घर पे तो आप इसे बिल्कुल मत खोलिए, क्योंकि वो टीम पहले से ही आपको कहती है कि वो इंस्टॉलेशन के लिए खुद आएंगे, वरना अगर कोई डैमेज मिल जाता है शिपमेंट के थ्रू तो वो हैंड टू हैंड अपने साथ ले जाएंगे। तो आप वेट कीजिए, कंपनी की तरफ से प्रोफेशनल आएंगे और इसे शिप करेंगे, तो फिट करेंगे इसे अपने वॉल पे या फिर आप इसे रखवाना चाहते हैं तो आपको सेटअप करके दे देंगे पूरा टीवी और आपको इसके कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह समझाएंगे। तो आप उसका वेट कीजिए, आप सीधा टीवी को खोलिए मत, वो अपने आप जाके इसे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे फिट करा लिया है, उसकी टाइम लैप्स मैं आपको भी दिखा दूंगा इस वीडियो में आगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 43 इंच वाला वेरिएंट यहाँ पे बाय कर रखा है। इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि है 54 इंच वाला है, 55 इंच वाला है MI TV 4। तो वो काफ़ी बड़ा होता है लेकिन उसमें काफ़ी सारे इससे बेटर फीचर्स हैं और वो काफ़ी स्लिम मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे पास 43 इंच वाला ये टीवी है। तो यहाँ पे आप ऊपर की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे 43 इंच का टीवी है और यहाँ पे इसके कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम वगैरह देख सकते हैं आप कितना लेता है ये सब। और यहाँ पे भी लिखा है 43 इंच बाय शाओमी, तो ये पूरा आपको टीवी मिल जाता है। इसे मैंने ऑफिशियल शाओमी के जो वर्कर्स आए थे उनसे मैंने यहाँ पे इसे फिट कराया, इंस्टॉल कराया है। तो यहाँ पे स्टैंड जो है इसके साथ नहीं आता, स्टैंड मैंने अलग से बाय कराया जो कि 500 रुपीज़ का था अप्रॉक्स। तो उन्होंने वो साथ लेके आते हैं, तो आप उन्हें 500 पे कर दीजिए और वो यहाँ पे फिट करा देंगे, या फिर आप इसे रखवाना चाहते हैं तो वो भी रख के चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी के ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले नीचे यहाँ पे आपको MI का ब्रांडिंग मिल जाते हैं नीचे की साइड, और ऊपर आपको मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वगैरह लिखे हैं इसकी। तो बाकी इसकी थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ से साइड से देख सकते हैं कितना पतला है। तो लेकिन जो इसका दूसरे वाला वेरिएंट आता है MI 4, वो उससे भी ज़्यादा काफ़ी पतला है, वो आगे से ग्लास जितना पतला है, कॉइन जितना। तो वो MI 4 है, तो इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। और इसमें आपको नीचे की साइड यहाँ पे दो स्पीकर मिलते हैं और साइड में इसमें आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता, आपको सीधा रिमोट से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसमें आपको एक बटन मिल जाता है पावर ऑफ का, जो कि यहाँ पे ठीक जहाँ MI लिखा है इसके नीचे है, जिसमें आप इसे पावर ऑफ वगैरह कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी इसके साइड में इसके पोर्ट्स की बात करते हैं, इसमें आपको कौन कौन से पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो इसमें ऊपर की साइड सबसे पहले आपको लैन के लिए मिल जाता है, लैन वायर वाईफाई से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, और इसमें आपको इनबिल्ट वाईफाई का भी ऑप्शन मिलता है जो मैं आपको बताऊँगा इसके स्पेसिफिकेशंस वीडियो में। तो इसमें आपको AV की जो केबल्स वगैरह मिलती हैं जो आप सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी इसके साथ मिलती है। और आप नीचे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपनी पेन ड्राइव लगा रखी है, यहाँ पे आपको USB 3 के सपोर्ट मिलते हैं, आप अपनी पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। और उसके नीचे आपको ठीक उसके नीचे एक तीन आपको HDMI के सपोर्ट मिलते हैं अपने लैपटॉप या फिर CPU वगैरह कनेक्ट करने के लिए। और उसके नीचे आपको दो USB के और ऑप्शन मिलते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं अपनी पेन ड्राइव माउस या फिर कीबोर्ड वगैरह लगाने के लिए। और उसके नीचे आपको मिल जाता है अपना केबल लगाने का ऑप्शन, जो कि चलते थे आज से काफ़ी साल पहले। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे जो इसके साइड के पोर्ट्स हैं उसका मैं शूट कर रहा था, तो शूट करते टाइम ये वाला पेज है जो निकल गया है। तो ये MI वालों ने जो इंस्टॉलेशन के लिए आए थे उन्होंने ठीक से टाइट नहीं किया है। तो बेसिकली ये टीवी सिर्फ दो पेचों पे जो है टंगा हुआ है यहाँ पे, जिसमें से एक पेच निकल के गिर गया है। तो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं था, सीधा निकला है। तो अभी मेरे को 1 वीक भी नहीं हुआ इसे लगाए हुए, और ये MI वालों की आप गलती देख सकते हैं। कोई ये ऐसे नाजुक सी चीज़ होती है जो गिरते ही टूट जाए, तो उस पर उन्होंने सिर्फ एक पेज पर टिका रखी है, तो ये ज़रा सा भी उन्होंने टाइट नहीं किया है। हल्का सा मैंने सिर्फ इस टीवी को कुछ इस तरीके से हिलाया था और ये पेच निकल गया है। तो MI, तो इसके साथ आपको MI की टीवी के साथ ये वाला रिमोट मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी कम फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपको, तो इसमें आपको लिमिटेड फंक्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर ऑन ऑफ पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, उसके नीचे मेन्यू सेलेक्ट करने का बटन मिलता है आप ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट, और बीच में आपको मिल जाता है ओके का बटन इस सर्कल के बीच में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मेन्यू का बटन, ब्लैक का बैक का बटन, और यहाँ पे आपको दोबारा मेन्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन का। तो यहाँ पे आपको नीचे प्लस और माइनस का बटन मिल जाता है वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए, और नीचे आपको MI की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो बेसिकली ब्लूटूथ वाला रिमोट नहीं है, वो आता है MI TV 4A 4 के साथ। तो यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, और इसके आगे नीचे जस्ट नीचे मिल जाता है IR रिसीवर टीवी के नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन कर लेता हूँ टीवी को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टीवी है ये ऑन हो गया है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है अभी MI,
तो इसमें इसका पैचवल जो है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैचवल जो कि काफ़ी बेस्ट मेरे को लगा आप इसका ऑपरेटिंग सिस्टम टीवी के लिए। तो यहाँ पे मेरा टीवी ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे ये जो पहले चैनल्स चलते थे उसके मोड पे आ गया है, तो इसे यहाँ से मैं कैंसिल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सीधा कर लेता हूँ मेन्यू पे। तो यहाँ पे जो हमारा पैच होल है वो भी खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई से इसे मैंने कनेक्ट कर रखा है, इसकी सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो पैच होल का काफ़ी आपको ईजी इंटरफेस मिलता है, बच्चे से लेके बड़ा तक का, अगर आपके घर में कोई भी है वो भी इसे कंट्रोल कर सकता है। बस आपको थोड़ा सा एक दो बार ट्राई करना पड़ेगा इसे, उसके बाद कोई भी इसे कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में जाकर इसके कुछ फीचर्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है ऊपर, तो आप चाहे तो लाइन से भी कर सकते हैं डायरेक्ट वाईफाई के लिए अच्छी स्पीड्स के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए, साउंड इनपुट सोर्स, अबाउट टीवी, सिक्योरिटी भी मिल जाती है, और इसमें सिस्टम अपडेट वगैरह के अपडेट भी आते रहते हैं। जनरल सेटिंग्स में आपको वही कुछ एंड्रॉयड वाली चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, लैंग्वेज, ये सब जो कि नॉर्मली एक एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह में होती है। सारे फीचर्स तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ उसकी सेटिंग आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेस हमारे पास आ गया है पैच वॉल का। तो यहाँ पे सोर्स में आपको काफ़ी सारे सोर्स मिल जाएंगे, HDMI वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको यूज़र गाइड मिलेगा कि आप क्या क्या देखना पसंद करेंगे, और ऊपर की साइड भी आपको मूवीज़, टीवी शो, म्यूज़िक, ओरिजिनल स्पोर्ट्स, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 1080p की जो स्क्रीन मिलती है, डिस्प्ले मिलती है इसमें फुल HD, और जो इसका एक 32 इंच वाला है उसमें आपको मिलती है सिर्फ HD, और जो इसका जो MiTV 4 है उसमें आपको मिलती है 4K डिस्प्ले। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, जैसे कि यूट्यूब, जर्नल, और इसमें आप वायरलेस स्क्रीन से अपने मोबाइल को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं USB के थ्रू। तो यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशंस को पेन ड्राइव में डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टीवी मैनेजर पे जाना है। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल वी USB, तो इस पर आप जैसे USB पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके USB या फिर पेन ड्राइव में जितने भी पेन ड्राइव सेलेक्ट करें, यहाँ पे जितने भी ऐप होंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऐप हैं जो मेरी पेन ड्राइव में हैं, तो यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको बेसिकली उस ऐप पे क्लिक करना है और नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं इंस्टॉल करना नहीं चाहता इसको, क्योंकि इसमें चलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये आप किस तरीके से बिना बार बार USB लगाए या फिर डाउनलोड करें आप कैसे इसमें ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऐप आता है एप्टॉइड TV, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में गूगल पे सर्च करके, तो उसे आप डाउनलोड करके आप अपनी पेन ड्राइव में लगाइए और इसमें इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसकी मदद से आप कोई भी, आप देख सकते हैं जितने भी सारे यहाँ पे ऐप्स हैं वो मैंने इसकी मदद से इंस्टॉल कर रखे हैं। तो इसमें आपको बार बार जो पेन ड्राइव निकालने या फिर इंस्टॉल APK डाउनलोड करने का झंझट हुआ ख़त्म हो जाता है। तो आप डायरेक्टली इस पर जाके सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे ऐप बेसिकली मिल ही जाते हैं। तो इसमें आपको इंडिया और बाहर के पूरे वर्ल्ड वाइड सारे ऐप्स मिल जाते हैं इसमें, तो इसकी मदद से आप यहाँ पे इसमें ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका एक फीचर मैं आपको और बता दूँ, तो यहाँ पे आपको वायरलेस स्क्रीन मिलती है, आपको कुछ एक्सटर्नल चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्रोमकास्ट वगैरह। तो यहाँ पे आपको सबसे बिल्टिन मिल जाता है वायरलेस स्क्रीन। तो यहाँ पे आप वायरलेस स्क्रीन पे जाएंगे और अपने मोबाइल से कंट्रोल करने के लिए आपको सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग में आपको डाउनलोड कर सेटिंग में आपको मिल जाएगा वायरलेस स्क्रीन आपके MI के फ़ोन पे ही, या फिर आपके लिए और दोनों में ही ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर आपको कोई अदर फ़ोन है। जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें वही आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ अपने फ़ोन से कनेक्ट। तो यहाँ पे जो मेरा फ़ोन है वो इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया वायरलेसली, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप या फिर किसी भी बिना थर्ड पार्टी चीज़ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे फ़ोन की जो सारी एप्लीकेशन है वो इसमें मिरर हो रही है। तो मैं जैसे ही अपने फ़ोन में जो चलाऊंगा वो इसमें डायरेक्टली मिरर होगी, म्यूज़िक से लेके फ़ोटोज़ से लेके हर चीज़ इसमें मिरर होगी जो मेरे फ़ोन में है। तो इसकी बेस्ट पार्ट लगी मेरे को। तो अगर आपका MI के अलावा दूसरा फ़ोन है तो आप थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ कर सकते हैं इसमें, वही ऐप आप इसमें भी इंस्टॉल कर लीजिए और अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो TV का ओवरऑल बेसिकली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको पैच होल का इंटरफेस आपको काफ़ी इजीली मिल जाता है, और इसमें आपको अगर आप जो डिश TV आता है फिर सेट टॉप बॉक्स आता है आप उसे भी कनेक्ट ना करें तो आप इंटरनेट की मदद से आप काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट हो जाएगा आपका। तो इसमें आपको बेसिकली मूवीज़ वगैरह सारी मिल जाती हैं अलग अलग थर्ड पार्टी ऐप से जो इसमें प्री इंस्टॉल मिलते हैं, जैसे कि सोनी लिव, वूट, ये सारे इसमें आपको बिग बॉस वगैरह आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं। तो आपको यहाँ सीधा इंटरफेस मिल जाता है, आप कोई भी मूवीज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट इसमें भरा हुआ है पैच होल की मदद से। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है TV से रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सीधा बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।